कांग्रेस पार्टी द्वारा अमित शाह के पुत्र जय शाह पर लगाए जा रहे आरोपों का प्रदेश चुनावों पर असर को धूमल ने सिरे से नकारते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता प्रदेश में अपने कुनवे की चिंता करें, गुजरात की ना करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश का चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर होता है, जबकि केंद्र ने हिमाचल की हर संभव मदद की है। वो इतने दूर क्यों जा रहे हैं? वो गुजरात में उठाए जो मुद्दा उठाना हो, हिमाचल में तो मुख्यमंत्री और इनके परिवार का मुद्दा है, उसी पे चर्चा होगी चुनावों में। लोग गुजरात की बजाय देखने के बजाय हिमाचल में देखेंगे, हिमाचल में जिनकी सरकार है उन्होंने 5 वर्षों में क्या किया, क्या प्रदेश का हालत बना दी है। इसलिए चुनाव हिमाचल के मुद्दों पे लड़ा जाएगा और जहाँ तक और कोई बाहर के मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर केंद्र की सरकार हमेशा हिमाचल की मदद करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने बहुत कुछ दिया हिमाचल को, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसका लाभ नहीं उठा सकी। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और उनका लाभ भी उठाएंगे। जो एनडीए ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था वो कांग्रेस सरकार ने छीना, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस हमारा था वो कांग्रेस सरकार ने छीना, वो मोदी सरकार ने वापस दिया। इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं दे सके तो उसकी जगह टैक्स में राहत 10 वर्षों के लिए दे दी। तो सारी बातें हमारे केंद्र की सरकार ने की है, लेकिन प्रदेश सरकार लाभ उठाने में असफल रही है। उस असफलता को दूर करके, असफल रहने वाले लोगों को दूर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और अविरल विकास हिमाचल का करवाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा प्रदेश में मोदी फैक्टर को नकारने की बात पर धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनावों के दौरान भी ये बातें कर रहे थे, जबकि प्रदेश में मोदी फैक्टर के कारण चारों संसदीय सीटें बीजेपी ने जीती तो सबसे ज्यादा प्रतिशत भी भाजपा ने जीत में हासिल किया। आपको याद होगा यही बात ठीक 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कही थी कि मोदी 3 बार का मुख्यमंत्री है, मैं 6 बार का मुख्यमंत्री हूँ, हिमाचल में कोई मोदी फैक्टर नहीं होगा। और हिमाचल में इतना मोदी फैक्टर चला कि सारे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो वोटों का मिला 53.8% वो हिमाचल में मिला। चारों की चारों सीटें हम जीते, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जीते, शिमला का नगर निगम जीते। ये जीत लगातार 3 हम कर चुके हैं और चौथी चौका जो लगेगा वो विधानसभा का चुनाव भारी बहुमत से जीत कर सरकार बनाएंगे।